हरदोई के थाना माधवगंज के ग्राम दौलतपुर पुरियार में शुक्लापुर में दबिश्ते कर अंतर्गत लगभग 80 लीटर कच्ची शराब और 1500 किलोग्राम लहन बरामद हुई। लहन को कब्जे में लेकर दो व्यक्तियों में राम केवल एवं पूनम के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। मौके पर आबकारी निरीक्षक बिलग्राम अनिल श्रीवास्तव, आबकारी निरीक्षक सवाजपुर अखिलेश बिहारी वर्मा व आबकारी टीम मौजूद रही। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अजीत वर्मा की रिपोर्ट, हरदोई। हरदोई में जिला अधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर के नेतृत्व में थाना संडीला के ग्राम डिकुन्नी में आबकारी टीम की दबिश 65 ली अवैध शराब बरामद हुई, जहां पर 900 किलोग्राम मौके पर नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम की धारा के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। टीम में आबकारी निरीक्षक संडीला दिलीप वर्मा, प्रधान आबकारी सिपाही राम प्रकाश, आबकारी सिपाही वेद प्रकाश वर्मा, प्रेम वर्मा, पंकज कुमार तथा वाहन चालक राहत खान मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अजीत वर्मा की रिपोर्ट, हरदोई। महोबा में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एडीएम पूनम निगम की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। इस अवसर पर हम फिट हैं, हम फिट इंडिया फिट के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में फिट इंडिया अभियान शुरू किया, जिसमें जनपद में ब्लॉक, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। जनपद कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काकरकुई में हाई टेंशन लाइन डीपी गिरने से घरों में करंट दौड़ गया, जिससे लाखों रुपयों के विद्युत उपकरण नष्ट हो गए। दरअसल आपको बता दें कि करंट घरों में फैल गया था, जिसमें 16 लोग घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए प्राइवेट चिकित्सालय ले जाया गया। मामले की जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। लाइट कटवाने के लिए ग्रामीणों द्वारा प्राइवेट लाइनमैन को बुलाया गया, जिसने आकर विद्युत आपूर्ति को कटवाया। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। करंट में घायल होने वालों में सालू, लक्ष्मी, डिंकी, बीना, नीतू, पूजा आदि लोग शामिल हैं। उधर लाइन फॉल्ट हो रही थी, उस तरफ हम देख रहे थे तो अंदर भाग के गए। वहाँ पे मैंने चार्जर पकड़ा और निकाला तो उसी से मेरे झटका लगा, हाथ में मेरे करंट लग गया। उधर से मैं भाग के आई बाहर तो इधर देखा ये लड़की समर में चिपक गई। उसके बाद में मेरी बच्ची भी बैठी थी यहीं पर, फिर उसको हम अंदर लेके गए तो हमने सोचा बाद में इनको देखे आके। फिर उसके बाद में मुझको एकदम झाऊं से आने लगे तो फिर मैं बाहर आ ही नहीं पाई। किस गांव घटना है? कहां कर कोई? क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दवा ली थी, डॉक्टर आए थे, बुलाए थे यहीं पे। सालू कहाँ कर कोई? क्या घटना हुई आपके साथ? हम भीतर से आए, भारत तो एकदम बत्ती नहीं पकड़ लो, हमें पता ही नहीं चलो कैसे कहा होगा। उसके बाद क्या हुआ? पता ही नहीं चलो कहा वो कौन है। आप कहाँ कहाँ चल रहे हैं? हाँ तो मम्मी पर घटना हो गई भैया? घटना सर ये हो गई है कि 11,000 मतलब लाइट उतरे आई है तो तार डीपी के ऊपर गिर पाया तार, तो उससे 17 लोग घायल हो गए और किसी के टीवी, किसी के कूलर, पंखा ये सब ठुकिए और पूरी ही गली में लाइट मतलब फैल गई। तो प्राइवेट जो लाइनमैन है वो उसे फिर फोन किया गया, वो आया फिर उसने लाइट आइट काटी आके। तो आप उनको घायलों को कहाँ लेकर गए? घायलों को सर अभी मैं कहीं नहीं लेके गई। क्या उनकी दवाई इलाज चल रहा है? हाँ इलाज चल रहा है। क्या आपके यहाँ कोई बिजली विभाग से अधिकारी आया था? कोई भी नहीं आया सर। कोई कार्य जांच नहीं हुई? नहीं। किस गाँव घटना है ये? कांकर कोई की। तो आप घायलों को सीएससी लेकर नहीं गए थे? नहीं। 108 कॉल की? नहीं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। जनपद कन्नौज में बिजली शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग में आग लग जाने से भगदड़ मच चुकी है। आपको बता दें कि सौरिक नगर में स्थित पूर्व चेयरमैन के मकान का मामला है, जहां पर थाना पास होने के कारण पुलिस बल ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तो वहीं नीचे मार्केट में दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी, जिसके चलते बमुश्किल से आग पर काबू पाया गया। मकान मालिक कैसर अली ने बताया कि लगभग 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। चूड़ी की शॉप पे बैठे थे, मेरी चूड़ी की दुकान है, दुकान से पता लगा कि बिल्डिंग में आग लग गई। तुरंत मैं इस साइड आया तो देखा बहुत तेज धुआं निकल रहा है, तो जैसे ही धुआं के ऊपर गए तो उस तर जाते ही कुछ भी दिख नहीं रहा था। तुरंत साइड वाला शीशा जो बिल्डिंग के साइड में है वहाँ भी उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, उस व्यवस्था न देखते हुए नाले का पानी था,
उसी पानी को लेके उसमें डालते रहे, करीब आधे पौन घंटे तक पानी डाला। उसके बाद एक थोड़ा वहाँ पे थोड़ी सी आग बुझी, फिर दूसरा मतलब शीशा भी तोड़ दिया। दूसरा शीशा तोड़ने के बाद फिर उसके बाद दो तरफ से पानी डाला गया, तब थोड़ी बहुत आग कंट्रोल बनी। जब तक ये पानी वाला वो भी आ गया, दमकल आ गया, फिर उसके बाद सब लोगों ने मिलके इधर उधर से पानी मंगा के सबको सहयोग करके और आग को काबू पा लिया गया। नुकसान के लिए तो पूरा डेकोरेशन खराब हो गया, बेड सी मतलब AC सोफा जो कुछ था अंदर सब जल गया। बड़ी मुश्किल से तो आग पे काबू पाया गया। आग लग गई कैसे? स्टेबलाइजर से के साथ सड़क की आग लगी। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो 10-5 लाख का हो गया। तो कैसे लग गई आग? पूरी घटना विस्तार से बताएं। घर में एक मैडम जो है किचन में थी, वो खाना बना रही, एक बच्चा सो रहा था उसी कमरे में, एकदम धुआं निकला तो भागा, जब भागा तो एकदम पता लगा पूरे घर में आग फैल गई। उसके बाद लड़कों ने, मार्केट वालों ने, सब ने मिल के 100-200 लोगों ने मिलके किवाड़ तोड़ ताड़ के, खिड़कियाँ तोड़ ताड़ के अंदर जो है पानी डाला, नाले से पानी लिया, कहीं समर्स पानी लिया करके, उसके बाद बुझवाई है 1.5 घंटे। हाँ फोन किया, हाँ पुलिस ने फ़ोन किया, वो आ गई, आ गई उन्होंने भी बाद में SO साहब पहुँचे थे, पूरा पुलिस स्टाफ था, पूरा मोहल्ले के लोग थे, मार्केट लोग थे, कौन सा आदमी था। हाँ पा लिया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में जुमारियों, सट्टोरियों व नशे का कारोबार करने वालों पर मोहम्मदी पुलिस इन दिनों मेहरबान दिख रही। बाइक चोरों ने चुनौती देते हुए नगर के लाइफलाइन अस्पताल से कर्मचारियों की बाइक चुरा ले गए। अस्पताल के मुख्य गेट पर लगे CCTV कैमरे में ऑटो लिफ्टर की पूरी कार गुजारी कैद हो गई। 9 बजे रात में चोरी हुई इस घटना की सूचना उसी समय UP 100 को दी गई थी, जिसने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, लेकिन शहर कोतवाली आज प्रातः 10 बजे पहुँचने से फुटेज देखने के बाद एक स्वामी का मुकदमा दर्ज कराने को कहकर चले गए। नगर के सबसे बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम लाइफलाइन ब्लॉक रोड अस्पताल गेट पर वहीं के कर्मचारियों द्वारा ग्राम पड़रिया निवासी संदीप कुमार पुत्र मुन्नू लाल की बाइक बीती रात 9:45 चोरी हो गई। संदीप नाइट ड्यूटी पर रोज की भांति अपनी बाइक संख्या UP 31 AS 8083 से आए और बाइक को हमेशा की भांति गेट के पास झंडे लगाकर खड़ी कर दी, अंदर चले गए। संदीप के अंदर जाते ही पहले से मौजूद बाइक चोर ने बाइक को मास्टर चाबी से खोला और लेकर फरार हो गए। बाइक चोरी का पूरा दृश्य गेट पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। कुछ देर बाद जब बाइक चोरी की जानकारी हुई तो तुरंत UP 100 पर सूचना दी गई, जो काफी विलंब से आई। कथित रूप से जांच कर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने को कहकर चले गए। कोतवाली में सूचना दी गई। प्रातः 10 बजे के आसपास शहर के कोतवाल कृपन सिंह मौका मुआयना एवं CCTV के फुटेज देख कर कह गए कि कोतवाली में भी सूचना दी गई थी। प्रातः 10 बजे के आसपास कोतवाल कृपन सिंह मौके मुआयना कर CCTV के फुटेज देख कर चले गए और कह गए कि कोतवाली आकर मुकदमा दर्ज करा दें। पुलिस ने सब कुछ ऐसे जांच पड़ताल की जैसे ये रोज की बात हो। नगर में चोरियों की घटनाओं के साथ साथ बाइक चोरी की घटनाओं में अचानक खासा इजाफा हुआ है, लेकिन पुलिस के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। पिछले दिनों कई स्थानों पर चले जुमे के अड्डों से 2 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया था, फिर बाद में छोड़ दिया गया। बरबर रोड के एक मेडिकल स्टोर पर एक गत्ता नशीली गोलियां खाने वाले युवक ने पकड़वाई थी, लेकिन नोटों के आगे नशे का अवैध कारोबार करने वाले छोड़ दिए गए। 3 दिन पूर्व पश्चिमी लकपेड़ा में एक बड़े जुए के अड्डे को पकड़ा गया था, लेकिन जहां पर लाखों मिले तो वहां भी छोड़ दिया गया। नगर में स्मैक सट्टे का धंधा बेखौफ जारी है। पिछले दिनों 2 गैंग के गैंगवार के बाद उठे विवाद के चलते सट्टा बंद हो गया। पुराने लिखने वालों ने तौबा कर ली तो नए चेहरे मैदान में उतर आए। पुलिस नगर में पैदल गश्त भी करती है, जिससे गश्त बढ़ रही चोरी की घटनाओं में पुलिस नगर में गश्त भी करती है, लेकिन उसके बाद भी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शरीफ नागरिक पुलिस गश्त से खौफ में हैं, लेकिन चोर हैं पुलिस को चुनौती देकर ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मुजीब अहमद सिद्दीकी के साथ रफीक खान की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। गोंडा के नवाबगंज में योगीराज के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री के विशेष प्रयास के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाबगंज के गांव उमरिया को 1,38,00,000 रुपए की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी सौगात दी है। यह स्वास्थ्य केंद्र 1 साल में बनकर तैयार होगा। इस केंद्र के लिए गुरुवार को भूमि पूजन व वृक्षारोपण का कार्यक्रम समाज कल्याण मंत्री के द्वारा किया गया। गुरुवार को क्षेत्र के उमरिया के गाँव में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन शिलान्यास किया गया।
वहीं भूमि पूजन व शिलान्यास के बाद बतौर मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि अस्पताल एक वर्ष के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं आवास में चिकित्सा अधिकारी भवन, टाइप 2 आवास, टाइप 1 आवास, बाउंड्री वाल, इंडिया मार्क का हैंडपम्प, सोलर बैकअप सिस्टम अस्पताल में सुसज्जित होगा। शासन ने प्रथम किस्त हेतु 50 लाख रुपए अवमुक्त कर दिया है। उन्होंने मोदी व योगी सरकार के विभिन्न योजनाओं को सिलसिलेवार बताकर तालियां बटोरी। कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी गरीब घर के परिवार से निकले, इसलिए गरीबी के बारे में बेहद नजदीकी से समझते हैं और देश में रह रहे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने मनकापुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के बारे में सिलसिलेवार बताया और भरोसा दिलाया कि यदि प्रदेश में कहीं भी विकास की किरण फूटेगी तो मनकापुर विधानसभा क्षेत्र का समूचा विकास होगा। समाज कल्याण मंत्री ने क्षेत्र के लोगों व ग्राम प्रधानों से विकास में सहयोग मांगा। वहीं इस मौके पर अधिशासी अभियंता संतोष पांडे ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोड़ा सांसद जनप्रतिनिधि कमलेश पांडे ने धन्यवाद के साथ किया। इस कार्यक्रम में रमेश पांडे, वेद प्रकाश दुबे, बाबूलाल शास्त्री, समाज रुद्र प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सरकार बंधु, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि हम स्वास्थ्य विभाग में एक नई एक नया जोड़ रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो इस उमरिया क्षेत्र के लोगों को आने वाले समय में बेहतर चिकित्सा प्रदान करेगा। वहाँ के लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि यहाँ सभी डॉक्टर स्टाफ और दवा वगैरह की सब चीज़ की उपलब्धता सुनिश्चित करूँ। और ये आज 29 तारीख को ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उमरिया का उद्घाटन मंत्री जी ने किया है। इसमें एक मुख्य भवन रहेगा, एक चिकित्सा अधिकारी का आवास रहेगा, 2 टाइप 2 के आवास रहेंगे, 2 टाइप 1 के आवास रहेंगे, 10 KL का ओवरहेड वाटर टैंक रहेगा, बाउंड्री वॉल रहेगी, इंडिया मार्को का हैंडपम्प रहेगा और सोलर बैकअप सिस्टम रहेगा। विभाग की कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड गोंडा है और इसके अधिशासी अभियंता संतोष कुमार पांडे हैं। मैं चाहूँगी कि ये अच्छा गुणवत्तापूर्वक कार्य करें इस संस्था के लिए, इस बिल्डिंग को अच्छा बनाएं और जल्दी से जल्दी हैंड ओवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। अमेठी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के सलोन विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने सलोन विधानसभा में 35 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दे गईं, साथ ही समस्तपुर पश्चिम बिहार को पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं की योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र भी बांटे। वही कार्यकर्ता स्मृति दीदी कहकर संबोधित कर रहे थे। उनके परिवार के सदस्य हैं, स्मृति भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी। यही कारण है कि उनके आने पर क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता उनसे मिलने जरूर पहुंचती है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर विकास को आगे बढ़ाएंगे। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष बौखलाहट में देश की संवैधानिक संस्थानों पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है। अपने आप में राष्ट्र के प्रति ये संकेत है कि अमेठी में विकास का कितना अभाव था। आज मैं योगी सरकार केशव जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अमेठी ने आज तक कभी नहीं देखा कि एक साथ 72 स्वास्थ्य और वेलनेस के सेंटर जनता को समर्पित हो, ऐसी घोषणा की जाए। आज लगभग 90 करोड़ की लागत की स्थानीय सड़कों के निर्माण की घोषणा केशव जी ने की। अभी मात्र 3 महीना ही, 1 क्वार्टर ही पूरा हुआ है, लेकिन अमेठी में विकास की जो गति वर्षों से लंबित थी, रुकी पड़ी थी, उस विकास को चौमुखी रूप में आज प्रस्थापित करने के लिए योगी जी की सरकार को, केशव प्रसाद मौर्य जी को, मोदी सिंह जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आज इधर करो तो बीच में अमेठी में विशेष तो भारत का भविष्य बच्चों की दृष्टि से पहली बार एक संपूर्ण रूप से ऐसा आंगनवाड़ी का जनता को दर्शन हुआ जिसमें डिजिटल लर्निंग तक की सुविधा हमने दिलवाने का प्रयास किया है।
एक गरीब का बच्चा अब उसी व्यवस्था के साथ पढ़ेगा जो सुविधा सिर्फ अमीर परिवार के बच्चों को उपलब्ध होती थी। गरीब कल्याण की भूमिका सरकार की केंद्र में प्रदेश में रही है, उसी का एक प्रतिबिंब आज अमेठी में हम देख पाए हैं। इसके लिए मैं सांसद के नाते योगी और मोदी जी की सरकार को आभार व्यक्त करती हूँ। भारत स्तब्ध था कि जब देश के गृह मंत्री संसद में बोल रहे थे कि एक तिरंगा एक संविधान पूरे देश का, गलत करता था, तब कांग्रेस में से ऐसे स्वर प्रस्फुटित हुए राहुल गांधी जी के संकेत और आदेश अनुसार जो भारत को विभाजित करने का कहीं न कहीं कांग्रेस की मानसिकता का दर्शन देते हैं। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त कर रहा है। आप सबको याद होगा इससे पहले भी उनके मुख से वही स्वर निकले जो पाकिस्तान को भाए। आज भारत का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा नेता भी भारत में है जो तिरंगे की कम सोचता है, तिरंगे को कम आंकता है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, सलोन अमेठी। जनपद बैराज के 12 नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र रुपैडिया के बॉर्डर पर कैरिटॉस इंडिया के सहयोग से देहात संस्था द्वारा सुरक्षा परियोजना के द्वारा बूथ स्टाफ लक्ष्मी और देवेश अवस्थी एसएसबी के सहयोग से नेपाल के रास्ते से आ रहे एक नेपाली लड़की को एक मानव तस्कर साहिद खान जो कि गांव कमदी जिला बांके नेपाल का रहने वाला है द्वारा बैला फुसला कर 18,000 की प्रतिमाह पगार दिलाने का प्रलोभन देकर काम के बहाने चंडीगढ़ लेकर जा रहा था। शक होने पर रुपैडिया सीमा पर तैनात एसएसबी जवान व देहात संस्था के बूथ स्टाफ देवेश कुमार अवस्थी व लक्ष्मी द्वारा रोक कर सख्ती से पूछताछ किया गया तो प्रकरण तस्करी का सामने आया। तदुपरांत कागजी कार्रवाई करते हुए युवती को नेपाल की शक्ति समूह निर्मला जी को सुपुर्द कर दिया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए बसंत लाल अवस्थी की रिपोर्ट, बहराइच। बताएं कि म्याऊ में बीती रात अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रहे हैं ट्रैक्टर चालक को चौकी इंचार्ज म्याऊ ने सीज कर दिया है। बताते चलें कि चौकी इंचार्ज म्याऊ ने पुलिस तिराहा पर चेकिंग कर रहे थे तभी गतरा रोड की तरफ से मिट्टी भरे ट्रैक्टर ट्राली लाइन लगाकर आते दिखाई दिए तो चौकी इंचार्ज ने सातों ट्रैक्टर ट्रालियों को सीज कर दिया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए उमेश कुमार की रिपोर्ट, म्याऊ बदायूं।